तो पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ खत्म हो चुकी है। अब किसी भी वक्त यूपी एटीएस की टीम अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपने वाली है। सीमा से पूछताछ में यूपी एटीएस को क्या सुराग मिले, सीमा का सच क्या है, ये जल्द ही सामने आने की उम्मीद है। तो सीमा से लगातार पूछताछ हुई थी, कई घंटों तक पूछताछ हुई, 3 दिनों तक लगातार पूछताछ भी हुई है। और इस पूछताछ में पाकिस्तान से सीमा के क्या कनेक्शन है, उसके भाई को लेकर के, क्योंकि उसका भाई पाकिस्तानी सेना में है, और इसके अलावा उसके घर से कितने लोगों का ताल्लुक वहां पर पाकिस्तानी सेना में है, क्या ISI कनेक्शन भी है सीमा का, बहुत सारे सवाल जवाब यूपी एटीएस ने किए। जल्द अब रिपोर्ट सबके सामने होगी। और आपको यह भी बता दें कि काठमांडू के उस होटल से हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर सीमा और सचिन रुके थे। आपको याद होगा काठमांडू से ही यानी कि नेपाल से ये भारत आई थी, तो उस होटल में जहां पर रुके हुए थे सचिन और सीमा, हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे हुए हैं और वहां की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। साल 2020 में पबजी के जरिए शुरू हुआ प्यार पाकिस्तान की सीमा हैदर को नेपाल के रास्ते भारत ले आया। जी हाँ, ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि सच है। सीमा हैदर जो पाकिस्तान के सिंध इलाके में रहती है, वो 10 मार्च को कराची से शारजा होते हुए नेपाल आई और यहाँ पर जो गौतम बुद्ध नगर यानी कि भारत के गौतम बुद्ध नगर जिले में रहने वाले सचिन मीना, जिससे सीमा हैदर को प्यार हुआ था, वो नेपाल के न्यू विनायक होटल में आकर के ही मिले थे। और इस समय मैं नेपाल के न्यू बस पार्क इलाके के अंदर न्यू विनायक होटल के अंदर हूँ और मेरे साथ जो हैं होटल के मालिक गणेश हैं, जिनके पास सबसे पहले सचिन मीना यहाँ नेपाल में आया था और उसके बाद जब सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से शारजा होते हुए नेपाल आकर के यहाँ पर रुकी थी, तब सचिन गणेश ने ही उन दोनों की रजिस्टर में एंट्री की थी। गणेश, सचिन मीना भारत से एक लड़का आया था, क्या आपको पता है कि कब आया था? ओ लगभग 10 तारीख को ऐसा आया था, मार्च 10 तारीख को, तो पहले दिन आया था, तो पहले दिन आके उन्होंने रूम बुक करवाए, तो नेक्स्ट डे फिर उनकी जो सीमा थी, सीमा आई, तो वो लोग एक हफ्ते तक रुके और चला गए। आपने दोनों की बकायदा एंट्री करवाई थी क्या? हाँ, एंट्री करवाई थी, लेकिन उन्होंने हमको फेक नाम दे दिया, उन्होंने जो उस डेट का नाम हम लोग ढूंढ रहे तो रजिस्टर में मिल रहा भी नहीं, मिल भी नहीं रहा। तो क्या आपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं रखे थे? डॉक्यूमेंट तो ऐसा नहीं रहा कि सर, हम बस उनका नाम और कहाँ से आए थे उतने ही किया थे। अच्छा, मतलब कोई भी आता है तो आप उसके डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं रखते अपने साथ? नहीं, हम लोग यहाँ पे नहीं रहते सर, सीधी सिर्फ एंट्री करते हैं और सीधा एंट्री। अच्छा, कितने दिन रहे थे वो दोनों? वो लोग 7-8 दिन रहे थे सर। तो उन दोनों ने अपने आप को क्या बताया था, पति पत्नी बताया था या यहाँ पे आकर के शादी की थी, किस तरह से वो रह रहे थे? उन्होंने बोले थे कि हमको उनका बीवी है, तो उनका बीवी है तो हम लोग ने ज़्यादा पूछताछ भी नहीं किया, तो कस्टमर आके रूम में ठहरेगा तो हम लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते उनके साथ, क्योंकि वो डिस्टर्बिंग भी होते हैं, तो उतना ज़्यादा कुछ बात नहीं हुआ। उन्होंने बोले कि हमारी बीवी है तो हम भी सर ज़्यादा बात नहीं किया। तो जो दोनों लोग थे, सीमा और जो सचिन है, वो दोनों अकेले ही थे या बच्चे भी उनके साथ थे? नहीं, बच्चे नहीं थे सर, वो दोनों ही थे। बस हमको भी लगा कि वो लोग अभी नई शादी करके आए होंगे, तो हम लोग ने उन्होंने कुछ डिस्टर्बिंग ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ पूछा भी नहीं ज़्यादा। तो वो जो करीब 7 दिन यहाँ पर रहे हैं, तो उस दौरान वो होटल में ही रहते थे या होटल से निकल के कहीं आसपास घूमने के लिए, किस तरह का रूटीन था? वो लोग सुबह शाम को थोड़ा घूमते थे, बाहर घूम के आते थे, तो दिन में रूम में रहते थे। नहीं सर, उससे ज़्यादा दूर गए तो कोई पशुपति और यहाँ पर स्वयंभू ऐसा घूमने के लिए जाते थे, ज़्यादा दूर भी नहीं जाते थे। तो कैसे आना जाना होता था उनका होटल से अगर आते जाते थे? वो लोग चल के जाते थे सर, हमारे होटल से तो चल के जाते थे, लेकिन बाहर से टैक्सी कुछ लेते थे तो अलग बात है, वो उतना आइडिया नहीं है। कुछ जानकारी थी कि दोनों किस तरह से आए थे, मतलब सचिन क्या बस के रास्ते आया था या प्लेन से आया था, जो सीमा थी वो कहाँ से आई थी? सचिन को हमारे ससुर है, उन्होंने बस स्टैंड से लेके आया था, बस स्टैंड जाते तो उन्होंने लेके आया था, हमने एंट्री करके रखा। तो दूसरे दिन उनकी जो वाइफ है, वो जो सीमा है, उनको खुद ही लेके आया था। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा भक्तबाजू खड़का। तो आप लेकर के आए थे सचिन को? हाँ, मैं लेकर। किस दिन लेके आए थे और कहाँ से लेके आए थे? तो दिन तो हम नोट नहीं करते, सुबह हम बस स्टैंड जाते हैं और जो कस्टमर मिले लेके आते हैं, रजिस्टर करते हैं, रखते हैं। हमारे यहाँ पे 2 टाइप का होटल है, एक टाइप का तो भैट में होता है हमारा,
तो उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेते हैं जो बड़े होटल हैं। जो छोटे होटल हैं हम पैन पे हो तो हम कुछ नहीं लेते, एक आदमी ले करेंगे वो सबको हम लेंगे, उस रख देंगे आठ आदमी हो सात आदमी हो पास इस तरह रखते हैं हम। तो जो बुकिंग की थी उसने क्या ऑनलाइन बुकिंग की थी, फ़ोन करके की थी या उसी दिन ढूंढ करके आप लेके आए? उसी दिन आया, उसी दिन बुकिंग किया, वो कल हमारी बीबी आ रही दुबई से, इस तरह से बताया बैठे वो गए। अच्छा, मतलब वो सीधा आया आपकी वहाँ पे मुलाकात हुई? हाँ। और उसके बाद यहाँ पे लेकर के आए? तो बीवी को जो बताया उसने सीमा को, उसको आप कैसे लेके आए थे, आप लेके आए थे या वो खुद ले? वो खुद ले गया, खुद ले गया, खुद ले गया, खुद ले। तो क्या बताया था उसने? बीवी बताया वो। अच्छा। हाँ, बीवी आ रही है हमारे, बताया वो बैठा यहाँ पे सात आठ दिन बैठा, उस वक्त चलेगी। तो यहाँ से जब गए थे तो कितना बिल आया था और कैसे गए थे और कहाँ कहाँ गए थे? बिल का मुझे मालूम नहीं होता, बिल को पैसे आते बिल का तो हमारा जो रूम का रेंट है 500 नेपालीज है सर। अच्छा। तो वो 500 सात आठ दिन का वो रूम का, और वो लोग, हाँ वो लोग ने जो रूम में खाते थे वेज थाली ज़्यादा खाते थे। अच्छा। तो वेज थाली थोड़ा बहुत तो 7-8 हज़ार आए होंगे नेपाली। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सीमा हैदर जब आई थी तो जो बता रहे हैं कि वो उसने शादी की हुई थी पति पत्नी थे, तो सीमा हैदर ने मांग में सिंदूर मंगलसूत्र कुछ इस तरह का लग रहा था आपको? नहीं, उसने कुछ नहीं लगाया था जब आई थी, तो उन्होंने कुछ देखा भी नहीं हमने, तो 4-5 दिन के बाद उन्होंने सिंदूर साड़ी पहनी थी। अच्छा। तभी हमको लग रहा था वो शादीशुदा है, नहीं 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 शादीशुदा है। तो कुछ ये भी बात आ रही है कि उन्होंने मंदिर में शादी की, कुछ कह रहे हैं होटल में शादी की, आपको कुछ जानकारी है? उन्होंने सर शादी मंदिर में किया बोले, शायद वहाँ किए होंगे, वो हमको दिखा भी नहीं, आइडिया नहीं है। तो जो सिंदूर डाले है वो रूम के अंदर ही था, वो जो वीडियोज है हमने दिखा तो रूम के अंदर का ही है जो। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र की आपको हमने रिपोर्ट दिखाई, उसी होटल के बाहर इस वक्त जितेंद्र मौजूद हैं काठमांडू में जहां सीमा और सचिन रुके थे, तो दूसरा ग्रेटर नोएडा के उस गांव में मौजूद है जहां सचिन का घर है राहुल हमारे सहयोगी। जितेंद्र, सबसे पहले आपका रुख कर रही हूं, आप वहां पर मौजूद है, आपकी रिपोर्ट हमने देखी है। दो चीजें जो निकलकर सामने आई कि इन्होंने अपनी पहचान छुपाई, जो नाम था ओरिजिनल सीमा का वो नहीं बताया है, और जब ये दोनों मिले थे तब इनका जो सीमा का लुक था, जो मांग में सिंदूर गले में मंगलसूत्र ये सब हम देख रहे हैं, वो गेटअप अलग था। देखिए, इसमें दो चीज सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जब सचिन मीणा यहाँ पर आया था तो उसने किसी तरह की होटल की बुकिंग नहीं की थी, यानी कि वो सीधा यहाँ पर आया था। जिस तरह के हमारे पोरस बॉर्डर है और भारत में अलग अलग जो राज्य हैं, बिहार है, यूपी है, उनके रास्ते आप नेपाल में आ सकते हैं, तो यूपी के रास्ते वो नेपाल के अंदर दाखिल हुआ, काठमांडू में बस के जरिए वो आया। और जिस तरह से जिस इलाके में ये होटल है, न्यू बस पार्क इलाका कहलाते हैं, बस अड्डा यहाँ पर है और इसके पास छोटे छोटे लॉज बने हुए हैं, गेस्ट हाउस बने हुए और छोटे छोटे होटल्स बने हुए, जैसे कि आप ये देख भी सकती हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो बस अड्डे के पास जाते हैं और वहाँ पे जो लोग आते हैं जो भारत के से या दूसरी जगह से घूमने के लिए आते हैं, उनको बकायदा वो अपने होटल में लेकर के आते हैं, यानी कि वो कस्टमर की तलाश में बस अड्डों पर जाते हैं। और ठीक इस तरह से भक्ता बहादुर ने बताया कि सचिन मीणा को भी जब वो बस से आया था तब वो वहाँ पर मिला और उसके बाद वो इस होटल में लेकर के आया। और दूसरी बात, सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि सचिन मीणा पहले यहाँ पर आकर के रुका, हालांकि पुलिस की जांच में उसने ये बताया है कि वो जब 8 तारीख को चला था यूपी से और उसके बाद 10 तारीख को सवेरे यहाँ पर पहुँचा और उसके बाद शाम को जाकर के वो सीमा हैदर को काठमांडू एयरपोर्ट से लेकर के आया। लेकिन होटल मालिक का, यानी कि गणेश जो होटल मालिक है और उनके जो ससुर है भक्ता बहादुर का, उनका कहना है कि सचिन अगले दिन जाकर के सीमा हैदर को एयरपोर्ट से लेकर के आया। अब इसके अलावा एक और जो बात है, सचिन तो यहाँ पर रुका, 7-8 दिन यहाँ पर रुके और उसके बाद सचिन अलग चला गया, जो सीमा हैदर है वो अलग चली गई, यानी कि इस दौरान उन्होंने रह करके निश्चित तौर पर इस बात की जानकारी जुटाई होगी कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक नहीं की जाती है। जिस तरह से कि हमने देखा इस होटल के अंदर सचिन ने अपनी गलत नाम से एंट्री कराई, जब सीमा हैदर आई है तो उसके किसी भी डॉक्यूमेंट्स को होटल के अंदर नहीं रखा गया, सचिन के भी कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं रखे गए, या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कानून की खामी है, नेपाल के अंदर जो होटल व्यवसाय है वहां पर इस तरह की जांच नहीं करते होंगे, तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं रखते, बकायदा उन्होंने बिल्कुल नाम बिल्कुल लिखा, सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर या तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कानून क्या है नेपाल का वो देखना होगा कि होटल में कोई भी आता है बिना उसका आईडी कार्ड लिया, आइडेंटिटी आप जाने हुए उसे रहने देते हैं, वो चला भी जाता है। हमारे साथ राहुल भी बने हुए हैं। राहुल, आप इस वक्त सचिन के
घर के बाहर मौजूद है जैसा मैं देख पा रही हूँ। क्या इनपुट्स आपके पास है? यूपी एटीएस की एक तरफ जांच पूरी हो चुकी है, रिपोर्ट वो तैयार कर चुके हैं, आज उस गांव में क्या माहौल? गांव भी दो धड़ों में बटा नजर आ रहा था कल तक जो तस्वीरें सामने आई थी। देखिए, जो गांव के सभी लोग हैं वो कहीं सीधे तौर पे सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सीमा यदि पाक साफ है तो उसको यहाँ पर रहना चाहिए, उसे किसी तरीके की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और वो जो लोग यहाँ पर विरोध करने के लिए आए थे वो दूसरे जगह से यहाँ पर विरोध करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे। यहाँ दूसरी बात यदि कहा जाए कि सभी को इंतज़ार एटीएस की रिपोर्ट का ही है कि आखिर में एटीएस की रिपोर्ट आखिर में क्या देती है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि एटीएस की रिपोर्ट में अभी तक कोई ऐसा ठोस पुख्ता सबूत नहीं है कि सीमा यहाँ पे जासूस के तौर पे जो है उसका कोई सबूत यहाँ पे निकल करके सामने आया है। लेकिन कई एक एंगल से यदि कहा जाए तो एटीएस यहाँ पर जांच कर रही है, एटीएस पूछताछ यहाँ पर कर रही है। अब देखना ही कि आखिर में क्या यहाँ पर एटीएस जब इंतजार थोड़ा करना होगा कि उस रिपोर्ट में एटीएस की तरफ से क्या दाखिल किया गया, जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल कर सामने आया। राहुल और जितेंद्र, आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।